वेलकम टू अनुमोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट में एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट का कोड सेम एचटीएमएल फाइल के अंदर ही पुट किया है। हम जावास्क्रिप्ट कोड को एक सेपरेट फाइल के अंदर क्रिएट और स्टोर कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर फाइल को हमें .js एक्सटेंशन से सेव करना होगा। अब उसके अंदर हम कुछ फंक्शंस वगैरह पुट कर सकते हैं और उन फंक्शंस को हम HTML फाइल में पर्टिकुलर इवेंट्स पे भी कॉल कर सकते हैं या जनरल कॉलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्सटर्नल JS को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम सेम कोड को अलग अलग कई फाइल्स में यूज़ कर सकते हैं, इससे कि हमारे वेब पेज की स्पीड भी इंक्रीज होती है और हमें बार बार कोड को रिपीट भी नहीं करना पड़ता। एक्सटर्नल JS को जब आप HTML में यूज़ करेंगे तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट के अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे SRC। SR जावास्क्रिप्ट फाइल का नेम दे देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे दो फाइल्स बना रखी हैं, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसे हमने एक्सटर्नल .js से सेव किया है। इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है fun1 नाम से, जिसमें अलर्ट के थ्रू हमने एक मैसेज प्रिंट किया है। HTML फाइल के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट लिया, स्क्रिप्ट के SRC में हमने एक्सटर्नल .js को यूज़ किया। अब यहाँ पे HTML फाइल में फॉर्म के अंदर हमने एक इनपुट टाइप ले रखा है बटन, और उसके ऑन क्लिक पे fun1 फंक्शन को कॉल कर रखा है। तो जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करेंगे, जो हमारा एक्सटर्नल JS में कोड होगा उस पर्टिकुलर फंक्शन पे, वो आपका कॉल हो जाए। तो अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी ये समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल है, इसे हमने इसके लिए हमने नोटपैड में दो फाइल्स बनाई है, एक JS एक्सटेंशन के साथ जिसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे फंक्शन का नेम मैसेज है और उसके अंदर अलर्ट के थ्रू हमने मैसेज लिया हेलो फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल js.html फाइल भी बनाई है जिसके अंदर हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट src=external.js उस पर्टिकुलर फाइल का नेम दे दिया जिसके अंदर हमने वो फंक्शन क्रिएट किया है, और यहाँ पे एक बटन बना के बटन की ऑन क्लिक पे हमने यहाँ पे मैसेज फंक्शन को कॉल किया हुआ है। अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं हम। यहाँ पे हमें एक बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन के ऊपर क्लिक लिखा हुआ है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हेलो फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जो पर्टिकुलर उस मैसेज के अंदर हमने एक्सटर्नल फाइल के अंदर लिखा हुआ है, ये वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी वर्किंग सेट कर सकते हैं और उसको HTML पेज पे फंक्शन के थ्रू कॉल करा सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।